हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस चैनल पे, एक्सपर्ट ट्यूटोरियल पे। अपना आज का जो टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर नंबर सिस्टम में, वो है बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना। अभी तक अपन ने बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी सब अपन ने देख लिया, ठीक है। अब अपना जो लास्ट वन है वो है बाइनरी से हेक्साडेसिमल, की बाइनरी से हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करूंगा और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो उसको अपन समझते हैं। तो देखो, समझने से पहले सबसे पहले अपन को देखना पड़ेगा कि जो हेक्साडेसिमल की वैल्यू होती है उसके अंदर क्या होता है। वो 16 डिजिट कंटेन करती है, 16 डिजिट होती है बाइनरी के अंदर। हेक्साडेसिमल कितनी वैल्यू कंटेन करती है? 16 वैल्यू कंटेन करती है। उन्हीं 16 वैल्यूज के कॉम्बिनेशन से अपना हेक्साडेसिमल नंबर बनता है। तो इसकी जो रेंज होती है वो कहाँ से होती है? जीरो से लेके एफ तक की टोटल 16 वैल्यू हो गई, 0 से F के अंदर, ठीक है ना। तो ये 0 से टोटल 16 हो गया, F को अपन रिप्रेजेंट, सॉरी 0 से 16, तो टोटल कितनी वैल्यू हो गई इसकी? 0 से F, तो है ना, ये 0 से 15 इसकी वैल्यू टोटल कंटेंट हो गई, ठीक है। अब देखो, अब है ना, यानी हेक्साडेसिमल 4 वैल्यू ऑफ बाइनरी से, मतलब 4 डिजिट ऑफ बाइनरी से मिलके बनता है। ऑक्टल 3 से मिलके बन रहा था और यहाँ पे जो हेक्साडेसिमल है वो 3 4 वैल्यू से मिलके बनेगा, ठीक है। अब देखो, अब इसका ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस कैसे लिखूंगा भाई? उसमें तो मैंने तुम्हें बता दिया 4 0 4 1, 2 0 2 1, 1 0 1 1। अब इसके अंदर कैसे करोगे? इसके अंदर भी एक तरीका, वैसे तो ये तरीका होता है निकालने का कि सबसे पहले कितने इसमें डिजिट होती है, 16 डिजिट है, 16 को 2 से डिवाइड कर दो, यानी पहले आया 8, यानी 8 बार 0, 8 बार 1, है ना। फिर उसके बाद है ना 8 है, फिर इस 8 को दोबारा 2 से डिवाइड कर दो, 4, यानी 4 बार 0, 4 बार 1, 4 बार 0, 4 बार। अब 4 आया तो 4 को दोबारा 2 से डिवाइड कर दो, 2, यानी 2 बार 0, 2 बार 1। फिर क्या है, 2 को दोबारा 2 को दोबारा 2 से डिवाइड कर दो, यानी 1, तो 0 1 0 1 0 1 0 1, यानी क्या करा, टोटल इसमें कितनी डिजिट होती है? 16। 16 को सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दो, 8 आ गया, यानी 8 बार 0, 8 बार 1। सबसे पहले 0 से स्टार्ट करना, यानी 8 बार 0, 8 बार 1। फिर 8 आया, इसको दोबारा 2 से डिवाइड कर दो, तो 4 बार, तो क्या आएगा, 4, यानी 4 बार 0, 4 बार 1। फिर इस 4 को दोबारा 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 2, यानी 2 बार 0, 2 बार 1। ऐसे ही फिर जो 2 आएगा उसको दोबारा 2 से डिवाइड कर दूंगा, 1, तो 1 बार 0, 1 बार 1, 1 0 1 0, ऐसे चलते जाएगा। इन 4 वैल्यू के कॉम्बिनेशन से एक हेक्साडेसिमल की वैल्यू बनती है। तो अपन एग्जांपल देखते कैसे कन्वर्ट करें हेक्साडेसिमल को बाइनरी, बाइनरी को हेक्साडेसिमल को अपन कन्वर्ट करना, और देखेंगे सेम जो अपन ने ऑक्टल में देखा था इसमें भी वैसे ही करना है। बस ऑक्टल में 3 डिजिट का पेयर बनाना है, इसके अंदर 4 डिजिट का पेयर बनाना है, तो मेकिंग 4 डिजिट नंबर ऑफ पेयर। ये अपना वही बाइनरी, ये मान लो ये अपना बाइनरी नंबर है, तो इसका रेडिक्स 2 है, इसको अपन ने हेक्साडेसिमल में करना है, ठीक है ना। और इसका जो रेडिक्स होता है, हेक्साडेसिमल नंबर का रेडिक्स होता है वो क्या होता है, 16। तो अपन को इस बाइनरी को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं, इसके अंदर भी सेम वही 4 4 का पेयर बनाएंगे, और जो अपना मूव करेंगे पॉइंट से पहले अपन जो मूव करेंगे वो कहाँ से मूव करेंगे, लेफ्ट से राइट। अगर तुम्हें इसमें कोई भी डाउट रहता है तो इसको पूरा करने के लिए इसे जस्ट जो पहले वाला वीडियो है, या मैं ये आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा, इसे जस्ट ऑक्टल कन्वर्जन वाला देखना जरूरी है। नहीं तो इसमें भी बता दूंगा, इसमें भी समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता तो कुछ डाउट रह जाता है तो उस वीडियो को भी जरूर से देखें। तो इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर 4 वैल्यू वही 4 का पेयर बनाना है और मूव करना है लेफ्ट से राइट। पॉइंट से पहले मेरे को मूव करना है लेफ्ट से राइट। तो ये मैंने ना 4 डिजिट का पेयर बना लिया, ठीक है। फिर इसके बाद ये यहाँ पे तो 2 डिजिट, यहाँ पे 4 डिजिट तो है ही नहीं, तो क्या करते हैं अपन, जो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है ना, इस बिट के आगे है ना पेयर बनाने के लिए, जितने पेयर के लिए कमी पड़ रही है, यानी 2 वैल्यू 2 कम पड़ रहे हैं, तो 2 जीरो का अपन ऐड कर देंगे इसके आगे, और तो ये 4 डिजिट का पेयर बन गया। 0 को ही ऐड करना है, तो देखो क्या करेंगे अपन, नाउ ऐड 2 जीरो बिफोर द टेंस टू मेक द पेयर ऑफ 4 नंबर। मतलब क्या करेंगे, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है इसके आगे उतने 0 ऐड कर देंगे जितने अपन को 0 रिक्वायर है एक पेयर बनाने के लिए, तो ठीक है ना। यहाँ पे यही बना, तो ये इसका पेयर बना लिया। अब मूव कहाँ से करेंगे, मैंने बोला मूव अपन को करना है राइट से लेफ्ट, तो ये मैंने राइट से लेफ्ट मूव कर गया, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है अपन को, ठीक है ना। फिर अब देखो, तो ये इसके आगे बन गया कि 2 जीरो लगा दी, यानी 1 के 4 का पेयर बन गया, 1 के 4 का पेयर बन गया। अब इसको इक्विवेलेंट क्या लिखते हैं, इस बाइनरी के 4 डिजिट के पेयर को इक्विवेलेंट बाइनरी में क्या लिखते हैं वो यहां से देखते हैं अपन, सॉरी बाइनरी में नहीं, हेक्साडेसिमल में उन 4 का, ये जो बाइनरी के 4 डिजिट का पेयर है इस पेयर को इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल अपन क्या लिखते हैं, अपना ये जो वैल्यू है वो क्या है, 0110, यानी 0100 है, सॉरी 0100 वो अपन देखते हैं। ये रहा 0100 को इक्विवेलेंट लिखते हैं 4, ठीक है, और 0010 को इक्विवेलेंट लिखते हैं 2।
तो अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी ये रहा देखो, इसको इक्विवेलेंट लिखते हैं 4, इसको इक्विवेलेंट लिखते हैं 2, तो 24, यानी ये जो नंबर है इसको बाइनरी के इस नंबर को हेक्साडेसिमल 24 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर पॉइंट की बात करूं तो सेम उसी केस की तरह की जो पॉइंट से पहले होगा उसमें तो अपन मूव करेंगे राइट से लेफ्ट, और जो पॉइंट के बाद होगा उसमें मूव करेंगे अपन राइट टू लेफ्ट, इसमें तो अपन मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, पेयर बनाएंगे 4 डिजिट का, इसमें अपन मूव करेंगे राइट से लेफ्ट, ठीक है। इसमें अपन जो पॉइंट से पहले तो मूव करेंगे राइट से लेफ्ट, और पॉइंट के बाद जो मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, और जो पॉइंट से बाद मूव करते तो उसकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है ना, क्योंकि यहाँ से अपन देखे बात करें तो जो इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट, उसके बाद 0 को ऐड कर सकते हैं पेयर बनाने के लिए, और पॉइंट से पहले की जो मोर सिग्निफिकेंट बिट होती है ना ये वाली, इसके आगे अपन 0 को ऐड कर सकते हैं पेयर बनाने के लिए, अगर पेयर पूरे नहीं बन रहे हो तो, ठीक है। अब जैसे मान लो ये पॉइंट है तो इसका पेयर बना लिया मैंने, यानी यहाँ पे तो ये 4 डिजिट का मेरा पेयर बन गया, ठीक है, और यहाँ पे 3 डिजिट रह गई, तो मैंने क्या बताया था इसके आगे अपन को पूरा पेयर कंप्लीट करने के लिए 0 को ऐड कर सकते हैं, तो 1 0 को ऐड कर दूंगा तो ये मेरा 4 का पेयर बन गया। अब इसमें मेरे को मूव करना लेफ्ट से राइट, यानी यहाँ से पेयर बनाऊंगा, ये 4 डिजिट का पेयर बन गया, अब यहाँ पे तो 1 ही, यानी इसके बाद मैं 3 0 ऐड कर सकता हूँ जिससे मेरा कंप्लीट पेयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरा यहाँ पे पेयर बन गया। अब कुछ नहीं, बस ये पेयर बनाना है, इस पेयर बनाने के बाद इस जो 4 डिजिट के बाइनरी का ये जो पेयर बना है इसके इक्विवेलेंट जो भी हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है उसको रिटर्न करना है। तो जैसे मान लो 0110 को 6 लिखते हैं, 1011 को बी लिखते हैं, फिर ये पॉइंट का पॉइंट आ गया, इसको अपन 2 लिखते हैं हेक्साडेसिमल में, और इसको 8 लिखते हैं, तो ये अपना आ गया, और ये 16 इसका रेडिक्स आ गया कि ये हेक्साडेसिमल वैल्यू हो गई। तो ये तो अपना था, अपन ने अभी तक जो भी देखा वो अपन ने देखा कि कैसे अपन जो भी देखा वो देखा कैसे अपन है ना बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करता है। अगर मान लो मेरे को हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है उसको मेरे को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूंगा, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। जैसे मान लो ये 23 दिया हुआ है तो बस 2 को जो भी है ना हेक्साडेसिमल, ये जो 2 है ये हेक्साडेसिमल, क्योंकि 16 दिया हुआ है नहीं पता चल गया हेक्साडेसिमल नंबर है, तो अब जैसे 2 दिया हुआ है तो 2 को बाइनरी में क्या इक्विवेलेंट लिखते हैं हेक्साडेसिमल, ये 2 क्या है हेक्साडेसिमल नंबर है क्योंकि यहाँ पर 16 दिया हुआ है, इसका मेरे को मन गया, और जो 2 है वो 4 बाइनरी की डिजिट से मिलकर बना हुआ है, तो 2 को बाइनरी में क्या लिखते हैं 0110, 4 डिजिट के रूप में रिप्रेजेंट करना है तो 0010, और 3 को क्या लिख सकते हैं 0011, तो इन दोनों को कंबाइन करके कैसे लिख दिया, तो ये हो गया। जैसे मान लो एक ये एग्जांपल है लो 23.4, तो कुछ नहीं, 2 को क्या लिखते हैं बाइनरी के अंदर है कि 2 के हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कैसे लिख सकते हैं, ये बाइनरी की 4 डिजिट से मिलकर बनता है, तो 2 को लिख दिया 0110, फिर 3 आ गया तो 3 को कैसे लिखते हैं 0010, फिर पॉइंट आ गया पॉइंट लगा दिया, फिर 4 को क्या लिखता है 0100, तो जैसे ही लिखते हैं, यानी ये अपना कन्वर्जन हो गया हेक्साडेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा, अगर कोई भी डाउट है कोई भी हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में करें और ऐसे पूछें, मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा, आपको पूरी अच्छे तरह से बताने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।